प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और कलह लगता है एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी ने राजस्थान के 4 जिलों में 5 किसान सभाएं और आधा दर्जन जगहों पर किसानों से बातचीत की। इस पूरे दौरे में राहुल गांधी कृषि बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते दिखे, लेकिन राहुल गांधी के इस पूरे दौरे में राजस्थान कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा चर्चा का विषय बना रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अजमेर जिले के रूपगढ़ की किसान सभा में ट्रैक्टर पर बैठकर आए। ट्रैक्टर से उन्होंने किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने फिर से कृषि बिल पर केंद्र सरकार और मोदी पर हमला बोलते हुए ये कृषि बिल किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाया गया है ऐसा कहा। इसके बाद राहुल गांधी नागौर जिले के मकराना में किसानों को संबोधित करने चले गए, जहां पर उन्होंने तीनों कृषि बिलों के मसले पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं। मैंने कोरोना के वक्त भी ये बयान दिया तो मीडिया ने मजाक बनाया, पर मेरी बात सही निकली। राजस्थान में राहुल गांधी की इस रैली में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को किनारे लगाने की कोशिशें ज्यादा चर्चा में रहीं। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला जब किसी सभा में पायलट अलग थलग दिखे। हनुमानगढ़ की सभा में मंच पर ही खाट लगाई गई थी। सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी एक खाट पर बैठे दिखाई दिए, वहीं सचिन पायलट की खाट भी दूसरे कोने में दिखाई दी। वहीं सभा में सचिन पायलट को बोलने का मौका तक नहीं मिला, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत और राहुल गांधी की मौजूदगी में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए। जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है, आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में सियासी था। उन्होंने पहले दिन सिख और जाट बहुल इलाके पीलीबंगा और पदमपुर में किसानों की सभा की, फिर दूसरे दिन जाट और गुर्जर बहुल इलाके रूपनगर और मकराना में किसानों को संबोधित किया। पर्वतसर में राहुल गांधी ऊंट गाड़ी पर बैठे दिखे, तो रूपगढ़ आने से पहले सुरसुरा में जाटों के लोक देवता तेजाजी के दर्शन भी किए। फिलहाल राहुल गांधी अपना दौरा कर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ पायलट ने भी दिल्ली का रुख कर लिया। पायलट के दिल्ली रुख के बाद एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। अब देखना यही है कि आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है।